जी नमस्कार। तो आज हम फिर से आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन अमल लेकर आए हैं, एक ऐसा बेहतरीन वजीफा लेकर आए हैं, जिस वजीफे की माध्यम से आज आप एक ऐसी नूरानी परी की हाजिरी करेंगे, जो कि ये परी आपका जो भी अर्जेंट से अर्जेंट काम, जो भी आपका कितना भी भारी से भारी वर्क, आपका हर चीज एक मिनटों मिनटों में खत्म कर देगी। ये परी एक ऐसी परी है जो कि चुटकी बजाते वक्त आप एक ऐसा इसको कितना भी भरा काम दे दें, ये आपका काम ठीक कर देगी। ये परी के माध्यम से आप कोई भी सट्टा लॉटरी उचाटन मारन वशीकरण आप दो मिनट में कर सकते हैं। ये एक ऐसी परी है। इस परी का अमल बताने जा रहे हैं, लेकिन अमल बताने से पहले आपसे एक चीज में बता दूं कि इस अमल को कौन कौन भाई कर सकते हैं, कौन कौन नाजरीन कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा इजाजत लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इजाजत के लिए इस अमल को और इस वजीफे को अगर आप करना चाहते हैं तो हर एक आदमी कर सकता है। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तीन बार आमीन 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 बोले। अल्लाह, जो भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक किया है उसको इस अमल में इजाजत फरमा दें। और मैं यही दुआ करूंगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखकर अमल करने जाएगा 101% कामयाबी लेगा, उसकी ओर से मेरी इजाजत है, आमीन। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज बात बता दूं कि इस अमल को आपको सिर्फ नमक और पानी की मदद से इस साधना को करनी है, जो कि आपको सिर्फ पानी यानी कि जो वाटर है उसके अंदर आपको नमक मिलाना है, शेंट मिलाना है आपको, और आपके सामने उस परी की हाजिरी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अमल की ओर बढ़ते हैं। अमल को करने के लिए आपको एक तनहा रूम चाहिए और एक तनहा एक ऐसा जगह चाहिए जहां पे आपके अलावा दूर दूर तक कोई ना देख पाए। अगर कोई देख लेगा तो वहां पे परी की हाजिरी नहीं हो पाएगी और इस अमल में आप कामयाबी नहीं ले पाइएगा। तो आप इस बात का लाजमी ख्याल रखें। तो आपको जैसे ही ये सारा चीज आपको मिल जाए, नहा धुला कर और काला वस्त्र पहन ले। अगर काला वस्त्र नहीं है तो लगन बैठ जाए, क्योंकि जब तक अगर आप काला वस्त्र नहीं पहनेंगे तो आपको कपड़ा भी कुछ नहीं पहनना है। दो चीज आप कभी भी दोनों चीज में से कोई भी कीजिए, क्योंकि काला वस्त्र आपको पहनना जरूरी है। पैंट शॉर्ट आपको हर चीज काला ही पहनना है। पहनने के बाद आपको सामने थोड़ी सी नमक और एक कांच की गिलास में वाटर भर लेनी है। भरने के बाद आपको वहां पे बैठ के आपको थोड़ी सी हिसार बांध लेनी है, क्योंकि हिसार बांधना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। हिसार बांधने के बाद आपको इस अमल में सामान क्या क्या चाहिए तो सुन लीजिए। आपको किसी भी शमशान की मिट्टी और किसी भी मुर्दे की, जैसे कि कोई मतलब आदमी दफनाया जाता है उसकी राख, ठीक है ना, तो आपको राख चाहिए और शमशान की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो सामने रखने के बाद आपको अपने कमरे में हिसार बांध लेनी है। हिसार का तरीका क्या है तो आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई आयतल कुर्सी नहीं आ दे तो आप हमारे चैनल पर कॉल करके इस हिसार का फुल जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको जैसा ही ये सारा चीज कर ले तो उस पानी के अंदर ये दोनों चीज को रख देना है और नमक को हल्का सा डाल के घोल देना है। जैसे ही घोल देंगे तो घोलने के बाद आपको अपने हिसार को अंदर थोड़ी थोड़ी उस पानी को गिरा के एक ऐसी लड़की का फोटो बनाना है उस पानी की मदद से, जो कि आपको एक पुतले टाइप बना देना है। पुतले टाइप जैसे ही वो बन जाए उसके बाद आपको आंख बंद कर लेनी है और आपको आंख बंद करके चुपचाप दो मिनट बैठे रहना है। जैसे ही आप बैठे रहेंगे तो वो पुतला एक ऐसी परी में हाजिरी में बदल जाएगी, एक ऐसी नूरानी परी की हाजिरी में बदल जाएगी जो कि बेहद ही ज्यादा सुंदर होगी, इतनी सुंदर जो कि आप कहीं भी नहीं देखे। तो वो आपको सलाम दुआ करेगी, आपको भी सलाम दुआ करके उसे बुलाने का तरीका पूछ लेना है। तो वो आपको बुलाने का तरीका बता देगी और आपको हाजिरी का भी तरीका ये बता देगी। तो ये आज का एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा अमल है जो कि हर मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाई हर एक आदमी कर सकते हैं। तो फिर इस साधना को कीजिए और आप फायदा लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, क्योंकि इस अमल को खुद अलैहि वसल्लम ने अपने कुरान की हदीसे पारा नंबर 122 नंबर पे लिखी थी, इस साधना को उसमें बताया गया है। तो इस साधना को आप कीजिए और इस अमल को करके आप भी हाजिरी कीजिए परी की। लेकिन एक चीज मैं बात बता दूं,
कि इस अमल में इजाजत बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अगर जो आदमी समझते होंगे कि ये आदमी अपना सब्सक्राइब और लाइक बढ़वाने के लिए इस वजीफे को बता रहा है, तो मैं एक चीज बता दूं कि भले ही आप मेरे वीडियो को ना देखें, भले ही ये मुझे मंजूर है, लेकिन आप इस साधना को गलत ना ठहराएं, क्योंकि जो मैं जो भी साधना आपको देता हूँ, मैं अपने जिन्नातों, परिया, हमजादों की मदद से देता हूँ और हर चीज सटीक और यहाँ पे करा के ही देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज दे सकते हैं। और आपको इस परी की ट्रांसफर या इस परी की साधना या किसी भी शक्ति की ट्रांसफर, तो आप हमसे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जी नमस्कार, जय माता दी।